हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी एक एंड्रॉयड फोन है ना, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको एंड्रॉयड फोन की एक ऐसी सीक्रेट फीचर के बारे में बताऊंगा, जिस फीचर का इस्तेमाल करके आप एक फोन के अंदर कई सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप फेसबुक चला रहे हो अपने फोन के अंदर, और फेसबुक चलाते वक्त अगर आपकी गर्लफ्रेंड की व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, तो आप फेसबुक को कट करके व्हाट्सएप ओपन कर लेते हो और बाद में आप पता नहीं लगा पाते हो कि आप फेसबुक पे कहाँ पर थे। लेकिन दोस्तों, इस सीक्रेट फीचर को जानने के बाद आप अपने फोन के अंदर एक साथ फेसबुक भी चला सकते हो, व्हाट्सएप भी चला सकते हो, टिकटॉक भी चला सकते हो, यूट्यूब भी चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने एक फोन के अंदर कई सारे ऐप का एक साथ यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी एक एंड्रॉयड फोन है ना, तो फिर ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप भी इस फीचर के बारे में जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा ऐसा फीचर है जिसके मदद से आप एक साथ एक फोन के अंदर कई सारे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, जिस फीचर के बारे में आप सब लोगों को बताने वाला था, उस फीचर का नाम है स्प्लिट स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, ये जो फीचर है ना, आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर ही मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है। तो दोस्तों, कोई बात नहीं है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा फीचर है और आप इस फीचर का कैसे लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कई सारे ऐप का इस्तेमाल एक साथ करना चाहते हो ना, तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए, अगर आपको फेसबुक और व्हाट्सएप को एक साथ चलाना है अपने फोन के अंदर, तो आप एक साथ चला सकते हो। अभी मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप को ओपन कर लिया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मैं आ गया है। इसके बाद मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद फिर से एक बार मैं फेसबुक को क्लिक कर लेता हूँ। फेसबुक को क्लिक किया दोस्तों, और यहाँ पे मैं इस पोजिशन पे हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बैक चले जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने कट कर दिया। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको क्या करना होगा कि ये वाला जो बटन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप खोले थे, आपका व्हाट्सएप यहाँ पे है, और फेसबुक खोले तो आप फेसबुक यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली खोल सकते हो। आप जिस पोजिशन में थे, उस पोजिशन में जाके फिर से दोबारा चला सकते हो। तो ये देख सकते हो, मैंने गैलरी भी खोला। तो इस तरह से आप कई सारे ऐप का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्ले स्टोर खोलना है, तो प्ले स्टोर खोल लीजिए। इसके बाद मैं बैक चले जाता हूँ। ये देखिए कट कर दिया मैं। फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इस पोजीशन में आ गया। तो इसी तरह से आप इस फीचर का लाभ ले सकते हो। दोस्तों, काफी सारे लोगों को पता नहीं है इस फीचर के बारे में, जो कि वो भूल जाते हैं, कट कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि वो किस पोजीशन पे थे उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस ऐप के अंदर। अगर फेसबुक चला रहे, तो फेसबुक चलाते वक्त अगर उसके गर्लफ्रेंड की मैसेज आ जाते हैं, तो फेसबुक को कट करके व्हाट्सएप खोल लेते हैं, फिर वो फेसबुक पे किस पोजीशन पे थे वो भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस फीचर का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसान तरीके से फिर आप उसी पोजीशन में पहुंच सकते हो। तो है ना बड़ी कमाल की फीचर दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।